हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आईएफएस। दिस इज योर फ्रेंड रोहित यार। स्टूडेंट्स, कल हमने कौन से आंसर्स को चैलेंज किया जा सकता है उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्म किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कि किस तरीके से हम चैलेंज करें, व्हाट इज द प्रोसेस। तो मैं एग्जैक्टली उस प्रोसेस के थ्रू आपको लेके जाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, आप आंसर की तो देख सकते हैं। इधर होम पेज पे जाके देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है। अगर आपको लॉगिन करना है फीडबैक के लिए, मतलब चैलेंज करना है, तो इस लिंक पे जाके आप कर सकते हैं। बट उससे पहले कुछ नोटिस है, जो प्रिकॉशंस आपको लेने हैं चैलेंज करने से पहले, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक पब्लिश नोटिस इशू हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये इशू हुआ है हमारे 21st को, आप देख सकते हो। पहले मराठी में है, देन इंग्लिश में है, ठीक है। तो फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप कुछ क्वेरी है तो कॉन्टैक्ट करने के लिए दिया उन्होंने। पब्लिक नोटिस पढ़ते हैं। पहले दो तीन लाइन में उन्होंने दिया है कि इंटरीम आंसर के जो है रिलीज हो चुका है। तो अगर आपको कुछ इश्यू है आंसर की में फीडबैक देना है, चैलेंज करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन मोड ही आपको अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है। नो चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन में फिजिकली कुछ भी भेजना नहीं है, जो भी करना है ऑनलाइन। तो कैंडिडेट शुड नोट फॉलोइंग बिफोर सबमिटिंग द चैलेंजेस फीडबैक ऑनलाइन। सबसे पहले चीज़ है, मस्ट बी सबमिटेड कैंडिडेट ऑनलाइन मोड, हेंस कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपीज, ठीक है। ये ऊपर ही बता दिया। असर्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। कीप रेडी पीडीएफ फाइल, तो जो भी आप आंसर की को चैलेंज करना चाहते हो तो उसका सही एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके पीडीएफ भेजना है, ठीक है। कीप योर बैंक डिटेल्स, तो जो भी फीस आपको पे करना है तो वो बैंक बैंकिंग मोड के थ्रू है, तो आपका जो आईएफएससी कोड है, अकाउंट नंबर है, पैन नंबर, सभी रेडी रखना है ताकि टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। हर एक क्वेश्चन के लिए 1000 रुपीज़ चार्ज करेंगे ऑनलाइन मोड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से थ्रू कर सकते हैं। ईच कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन फीडबैक ओनली, एक बार ही कर सकता है, तो कोई गलती मत करना। वंस यू प्रोसीड फॉर द पेमेंट, यू विल एनेबल चेंज द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार आपको मौका तो मिलता है चेंज करने के लिए। प्रीव्यू द ऑनलाइन फॉर्म, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू डिटेल्स देखिए, जो भी आपने क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं वो बराबर ने पीडीएफ बराबर से अपलोड हुआ है नहीं। After successful submission form through online mode, take print out of the same for your reference. तो जो भी आप ऑनलाइन मोड में भेजे उसको प्रिंट आउट लेकर रखे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और आपके पास एक प्रूफ रहे, ठीक है। इन केस फीडबैक एक्सेप्टेड, द फीस करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन चैलेंजेस एक्सेप्टेड विल बी रिफंडेड टू रिस्पेक्टिव कैंडिडेट इन ऑनलाइन मोड। इन ऑल अदर केसेज द फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो एक बार फीडबैक आपका एक्सेप्ट हो गया तो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ चैलेंज क्वेश्चन विल एक्सेप्टेड will refunded, ठीक है। The challenges will be evaluated by the expert and answer key will be finalized as per UGC guideline. एक बार उन्होंने evaluation properly कर गया, उनके पास experts है अपने, तो वो evaluate करेंगे आपका challenge बराबर है या नहीं, वो verify करेंगे, then definitely they will revert you through email, ठीक है। OMR sheet में भी changes होगा, तो एक बार question challenge हो गया, accept हो गया, तो definitely answer key भी revise होगी, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। स्टेट एजेंसी डिसीजन ऑफ द स्टूडेंट फीडबैक शैल बी फाइनल एंड रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की। अभी ये जो प्रिलिमिनरी आंसर की था वो डेफिनेटली रिवाइज होगा आफ्टर एक्सेप्टिंग द चैलेंज क्वेश्चन एज पर यूजीसी गाइडलाइन। नो ग्रीवियंस विल बी एंटरटेन वंस एमएच सेट रिजल्ट इज डिक्लेयर। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके बाद कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और आपका कोई भी मेल वगैरह है वो एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो स्टिपुलेटेड टाइम है विद इन दैट यू हैव टू चैलेंज द क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी चैलेंज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा लॉग इन टू अप्लाई पे। अभी आपका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करिए, देन यू कैन सबमिट द पीडीएफ एंड चैलेंज द क्वेश्चन। तो ये है प्रोसेस, होपफुली आपको मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ होगा। और डेफिनेटली चैलेंज करिए क्वेश्चन को जो आपको लग रहे हैं, और कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए वो भी हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है। और एक सवाल था स्टूडेंट्स का, वो मैं सवाल आपको पढ़ के बताता हूँ। सवाल क्या है, तो सवाल ये है कि क्या एक बार हमने क्वेश्चन चैलेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो ये दो केसेस आते हैं स्टूडेंट्स, अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है ऑप्शन भी के साथ और ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो इन सच केस में बोनस सभी स्टूडेंट्स को मिलता है। बट ऐसा है कि क्वेश्चन तो करेक्ट है बट ऑप्शन गलत है, तो जिस स्टूडेंट ने चैलेंज किया है उसी को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेरीज थी जिसको मैंने आंसर किया। होपफुली सभी को वीडियो समझ में आया होगा। आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए जो प्रिपेयर करें एग्जाम्स के लिए और आंसर का वेट कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट।
फॉर योर रिजल्ट, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसी आशा करता हूँ मैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।